नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बड़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकार की तरफ से दी जाने वाली गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां एक्सपायर पाई गई हैं। एक्सपायर आयरन की गोलियां खाने से कई गर्भवती महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई है। गर्भवती महिलाओं ने सीएमओ को प्रार्थना पत्र देकर के एएनएम की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये पूरा मामला थाना हजारा क्षेत्र उप स्वास्थ्य केंद्र कबीरगंज का है। खबर श्रावास्ती से है, जहां जिला मुख्यालय भिनगा के कलेक्टर सभागार स्थित जिला अधिकारी नेहा प्रकाश ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिलाधिकारियों कर्मचारियों को एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई। वहीं पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य और विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह की अगुवाई में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर गाजीपुर से है, जहां खाकी वर्दी ने पंचायत भवन को ही पुलिस चौकी बना दिया। बता दें कि लाखों रुपए खर्च करके सरकार गांव के विकास के लिए पंचायत भवन का निर्माण करा रही है। वहीं गाजीपुर के देवकली ब्लॉक के सिरगिथा ग्राम सभा में लाखों रुपए के बनाए गए पंचायत भवन को पुलिस ने लोकतांत्रिक तरीके से कब्जा कर पुलिस चौकी बना दिया है। आपने ये बात बड़े संज्ञान में डाली है, अगर किसी भी पंचायत भवन में कब्जा हुआ है तो उसकी जांच वीडियो और एसडीएम से करा कर इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी सरकारी भवन पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता, इसको हम लोग चेक कराते हैं। खबर अलीगढ़ से, खबर अलीगढ़ के जवाक क्षेत्र गोपालपुर आंगनबाड़ी केंद्र का है, जिसमें स्थानीय लोगों ने बताया कि 100 से अधिक यहां पर लाभार्थी हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ लोगों को पौष्टिक आहार वितरण किया जाता है। बाकी के अन्य लोगों के पौष्टिक आहार की लाभ कालाबाजारी की जा रही है, जो कि उन्होंने मौके पर पुलिस बुला करके कालाबाजारी को रुकवाया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके संबंध में पूर्व प्रधान आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका के खिलाफ शिकायत जिलाधिकारी को दिया गया है। आंगनबाड़ी में जो बच्चों का राशन वितरण होता है वो हमारे गांव में नहीं बट रहा है 2 महीने से, और 6 महीने से जो चावल आते हैं गेहूं चावल बच्चों के लिए वो भी नहीं बट रहा है। कारण क्या है बटने का यह है, यहाँ में 4-5 लोग ग्राम प्रधान और कुछ उसके साथ ही उसको बांटने नहीं दे रहे हैं। क्यों, राशन जो वहाँ से आ नहीं रहा है, क्या मामला आ रहा है सर? ब्लैक कर रहे हैं, और वो कहते हैं एक गाँव वालों ने 8-10 लोगों ने ट्रिली में सामान ले आ रहे थे बेचने के लिए, वो माल पकड़ के स्कूल में लाए थे और बंद करवा दिया है। आंगनबाड़ी का माल बेचने जा रहे थे? जी सर। आधा किलोमीटर किसी को बांटा नहीं गया अब तक? नहीं बांटा। कितने मेंबर होंगे वहाँ पर कुल? 120 मेंबर है। कितने लोगों को बांट दिया गया है? उसमें से 30-35 बंदों को बांट दिया गया है, बाद बाकी किसी को नहीं मिला। उसके शिकायत लेके आए थे जिलाधिकारी साहब के पास, उन्होंने कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। क्या मामला क्या है? मामला वो राशन जो आता है 3-4 लोग हैं। पहले तो मैन तो ग्राम प्रधान है अनीता देवी, वाइफ ऑफ श्रीपाल सिंह जो पूर्व प्रधान है, वो क्या करते हैं माल को लिया और आपस में बांट के खा लिया, और जो उसका पूरी धन आती है उनको जला दिया जाता है। कुल कितने वहाँ पर मेंबर हैं? 120 लाभार्थी हैं। कितने लोगों को दे देते हैं, कितने लोगों को नहीं देते? 25 लोगों किसी चार्ज जाएंगे साइन करा लिए, कह देते तेरा तो आया ही नहीं है, साइन 4-4 लोगों के कराते हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां क्षेत्र के फैले डेंगू बुखार से परेशान लोगों के उचित इलाज के लिए पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर के डॉक्टर स्वतंत्र सिंह ने कहा है कि आप अपने घर में साफ सफाई रखें और फुल कपड़े पहने। अगर आपको दर्द हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप अपने प्लेटिनम की जाँच कराएं और कहीं से भी कोताही ना बरतें। डेंगू से बचाव के लिए घर में मच्छरदानी लगाएं और अपने नजदीकी डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। डेंगू एक तरीके से एडीज मच्छर काटने से होता है, जो कि दिन में काटते हैं। इसमें सीवियर बॉडी के होता है, पेन होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, और पेशेंट को कमजोरी वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसमें फ्लूड की कमी हो जाती है। लक्षण क्या है सर, बचाव क्या करना चाहिए उसके लिए, बचाव क्या क्या है उसका डेंगू बचने के लिए? डेंगू से बचने का उपाय, अगर आपको डेंगू कन्फर्म है या बहुत ज़्यादा
बॉडी एक हो रहा है, पैरों में, घुटनों की फुल्लियों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द है। अगर आपको लग रहा है तो पहले आप अपनी जांच करिए, प्लेटलेट्स का कंडीशन देख लीजिए कितना है, और उसके बाद घरों में मच्छरदानी का उपयोग सभी लोग करें सोते वक्त। घरों के आसपास जो भी इकट्ठा हो रहा है पानी, उसको साफ़ करा दें। गुलदस्ता या फिर आपके जो गमले वगैरह हैं उसमें पानी ना जमा होने दें। साफ पानी का सेवन करें। कूलर इत्यादि में पानी को जमा ना होने दें। हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में अन्ना मवेशी को लादकर भाग रहा कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर के रोड के किनारे पलट गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक मवेशियों की मौत हो गई है। वहीं 3 दर्जन मवेशी जिंदा बाहर निकाले गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। थाना मल्लावा का मामला है। मल्लावा पुलिस को सूचना मिली कि UP 78 BT 8301 एक कंटेनर है जिसमें जो पलट गया है, जिसमें मौके पर 32 जानवर मिले हैं, जिसमें 14 मृत हुए हैं और 18 जीवित हैं। जो जीवित जानवर हैं उनका मेडिकल करा करके उनको तेजी पर गौशाला भेजा गया है। प्राथमिक जांच में जो पता चला है कि माधवगंज से कच्चे रोड की तरफ से ये मल्लावा राघोपुर रोड पर आ रहा था, जहां पर भट्टी के पास ये पलट गया है। तहरीर प्राप्त की जा रही है, उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जो भी लोग इसमें दोषी उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के हलपालपुर कोतवाली क्षेत्र में एक दबंग युवक के मामूली विवाद में अवैध तमंचा लेकर के लोगों को धमकाने और तमंचा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है कि मामूली विवाद के बाद दबंग खेत पहुंचा था और दलित युवक के साथ गाली गलौज कर रहा था। विरोध करने पर उसने दलित युवक के साथ मारपीट की। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उस युवक से को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। खबर जालौन से है, जहां टोल कर्मियों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई है। बता दें कि महिला टोल कर्मियों द्वारा लाइव पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। टोल प्लाजा पर टोल के पैसे को लेकर के बजरंग दल कार्यकर्ता और महिला टोल कर्मियों पर हुई बहस के बाद मारपीट हो गई। दरअसल बजरंग दल कार्यकर्ता की पत्नी को महिला टोल कर्मियों के बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। खबर संभल से है, जहां गंगा स्नान में ट्रैक्टर ट्रॉली और भैंसा बुग्गी पर सवारी ढोने पर सरकार के आदेश को किसान नेता ने खुला चैलेंज दे दिया है। नेता ने कहा है कि किसान गंगा स्नान में ट्रैक्टर ट्रॉलियों और भैंसा बुग्गी से जाएंगे, अगर सरकार रोक सके तो रोक ले। बता दें कि योगी सरकार ने गंगा स्नान के मेले के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली और भैंसे बुग्गी पर रोक लगाई थी, जिसे लेकर के किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है और उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं, 3 मांग है आज की, और उसमें सबसे पहली मांग है हमारी कि सरकार ने जो किसानों के ट्रैक्टर ट्राली पर और भैंसा बुग्गी बैल बुग्गी पर प्रतिबंध जो लगाया है, गंगा स्नान को जो जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे वो, तो हम उसका विरोध करते हैं। और देखो, किसानों की मुख्य जो सवारी है ट्रैक्टर है, ट्राली है, तो उसमें किसानों को लेबर भी लानी होती है, अंतिम संस्कार में जाने जाते हैं कि तो ट्रैक्टर ट्राली से जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं ट्रैक्टर ट्राली से जाते हैं, किसानों के पास गाड़ियां तो है नहीं, तो ट्रैक्टर ट्राली मुख्य हमारी एक सवारी है किसानों की, और उस पर सरकार इस तरह का प्रतिबंध लगा रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। गदरपुर के 15 बटालियन NDRF मुख्यालय से आज एक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जन जागरूकता के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और एकता का संदेश देने के लिए NDRF के अधिकारी, जवान और कर्मचारी द्वारा एक बाइक रैली आयोजन की गई। राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे देश में बड़ी धूमधाम से लोग मना रहे हैं, और हमारे भी NDRF के रेस्क्यूअर्स ने जो है इसमें अपना योगदान देने की कोशिश एक छोटी सी की है। आज इस बाइक रैली के माध्यम से पूरे जो है रुद्रपुर और गदरपुर वासियों को हम इसके ज़रिए मैसेज देना चाहते हैं, राष्ट्रीय सद्भावना का, राष्ट्रीय एकता का, कि हम सब लोग मिलकर एक साथ देश को बुलंदियों पर ले जाएँ।
खबर पौड़ी से है, जहां जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसको लेकर के खेल विभाग और नेहरू युवा कल्याण केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में इंडोर स्टेडियम से लेकर के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए जिला क्रीडा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम में रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता का संदेश दिया जाएगा। पहले तो यहाँ से इंदौर से कर्नोलिया पार्क से सर्किट हाउस तक सबोर सर्किट हाउस के पीछे रैली निकाली गई है और फिर वापस बिंदा के ड्रॉ से ये प्राइजेस पर्ची दी गई थी उनको पर्ची से पर्ची द्वारा जिसका जो नंबर रहा होगा उसको वो पुरस्कार मिल जाएगा। जिला खेल विभाग पौड़ी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, उस संबंध में खेल विभाग द्वारा जो निर्देश मिले थे राष्ट्रीय दिवस पर रन फॉर यूनिटी कराने का, उसमें सभी वर्गों के लोगों को प्रतिभाग करना था और सभी वर्ग के लोग को बुला आमंत्रित किया गया था। इसमें बच्चे से लेकर और बड़े और हर वर्ग के लोगों ने प्रतिभाग किया और इनको अंत में एक रैली निकाली गई और लॉटरी के माध्यम से जो है सभी को प्राइज पुरस्कृत किया गया है महिला और पुरुष वर्ग में, जिससे कि सभी ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और इस दिन को बहुत ही उससे मनाया। दिनेशपुर छठ घाट पर एक व्यक्ति अपनी परिवार की खुशहाली के लिए सूर्यास्त से लेकर के सूर्य उदय तक कुल्ला नदी में गंगा देवी से मन्नतें मांगते हुए नदी के अंदर नंगे पैर प्रसाद लेकर 12 घंटे तक खड़ा रहा। दिनेशपुर वार्ड नंबर 9 के अभिषेक शर्मा अपनी परिवार की खुशहाली और गृह क्लेश को दूर करने के लिए गंगा में देवी की आराधना कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। मेरे घर में बहुत कलेश होती थी, मतलब लड़ाई झगड़ा हमेशा होता था, इसलिए मैं डूबते हुए सूरज की और उगते हुए सूरज की मन्नत है मेरी कि मतलब मेरे घर में सब दिक्कतें खत्म हो जाए, यही है मेरा। खबर संभल से है, जहां रुक के बाद भी संभल जिले में लगातार पराली जलाई जा रही है, खुलेआम पराली जलाने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि जो लोग भी पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों जिला प्रशासन ने 2 किसान पर पराली जलाने के मामले में कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया था, मगर किसान मानने को तैयार नहीं है। आज भी जिले में लगातार पराली जलाई जा रही है। खबर गोरखपुर से है, जहां बिहार के मोतिहारी के रहने वाले लुटेरों ने बीते 28 अक्टूबर की सुबह गल्ला व्यापारी रमाकांत जायसवाल से 6,54,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। आज एसओजी की टीम ने सर्विलांस और आईटीएमएस की मदद से 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के अनुसार इनका गैंग बिहार के कई जिलों के साथ यूपी के कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर आदि जगहों पर लूट करता था। जनपद गोरखपुर में 28 तारीख को मॉर्निंग में थाना खोराबार में एक घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 70 वर्षीय रमाकांत जायसवाल, जो कि बिहार से 6,50,000 के आसपास का कैश ट्रेन से लेकर के आए थे, कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद कुछ लोगों ने उनको गाड़ी में बिठाया, आगे ले जाकर के उनके साथ मारपीट की और उनका ये कैश लूट लिया। घटना की जानकारी होने के उपरांत तत्काल वादी से जानकारी प्राप्त अधिकारियों द्वारा की गई, घटनास्थल का निरीक्षण सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा किया गया। घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर खबर श्रावस्ती से है, जहां दबंगों ने महिला समेत पूरे परिवार को जमकर पीटा है। मारपीट में महिला समेत बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गिलौला पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। ये पूरा मामला गिलौला थाना क्षेत्र के काशीपुर मूसा गांव का बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महानगर आगरा द्वारा आज लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। जयपुर से कोठी मीना बाजार तक इस कार्यक्रम में आगरा निकाय चुनाव के प्रभारी सुरेश तिवारी और महानगर अध्यक्ष भानु महाजन आदि लोग शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पे देश के प्रथम
गृहमंत्री रहे और हम जानते हैं देश की अखंडता एकता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, अपनी जीवन का हर क्षण। और आज हम जो भारत को कहीं ना कहीं एक एकजुट देख रहे हैं, विभिन्न रियासतें उस समय थी, कई कठिनाइयां आई, पर उन सबको पार करते हुए उन्होंने देश की अखंडता एकता के लिए काम किया और उस को पूरा भी किया। तो रन फॉर यूनिटी के नाम से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वार्ड के अंदर, हमारे 100 वार्ड हैं, 100 के 100 वार्डों में कार्यक्रम चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वार्ड सा अपने अपने क्षेत्रों में रन फॉर यूनिटी और सरदार पटेल जी की जयंती का कार्यक्रम मना रही है। सरदार पटेल जी देश के ऐसे सशक्त नेता, इस देश के मार्गदर्शक रहे जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता का संकल्प लिया था। गोंडा तालाब में डूबकर बच्चे की मौत हो गई है। छठ पूजा के दौरान नहाते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। अष्टवक्र आश्रम के पास चल रही थी छठ पूजा, गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का शव निकाला है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर का रो रो कर बुरा हाल है। खबर गोंडा से है, जहां ग्रैंड प्रिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि महिला खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए ये आयोजन किया गया है। नए तरीके से नेशनल और ओपन नेशनल के टॉप 10 खिलाड़ी शामिल हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बड़ इंडिया।